ठीक है, इस तो आपके सामने आपके एक क्वेश्चन शीट आ गए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 के दो क्वेश्चन कर रखे हैं, हम यहाँ बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन पूरा और पूरा पता है किस पर डिपेंड करेगा आपका, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा सर। एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी। पूरा चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा और कोई भी फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना है, केवल एक फॉर्मूला, केवल और केवल एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चे गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 16a² - 25। तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए, मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे देखो, वन का जो स्क्वायर होता है ये होता है वन, टू का जो स्क्वायर होता है ये होता है फोर, थ्री का जो स्क्वायर होता है ये होता है आपका नाइन, फोर का स्क्वायर होता है ये आपका होता है 16, फाइव का जो स्क्वायर होता है ये आपका होता है 25, सिक्स का जो स्क्वायर होता है ये आपका होता है 36, सेवन का स्क्वायर आपका होता है 49 और आपका एट का स्क्वायर होता है आपका 64, उसके बाद नाइन का स्क्वायर होता है आपका 81 और गाइस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो इतनी चीज़ें मैंने जब मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, बट यहाँ भी मैं आपको एज अ रिमेंबर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें क्या रहेंगी आपके थोड़े माइंड में बनी रहेंगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 16 है। अब 16 देखो किसका, यहाँ पे है मतलब किसका स्क्वायर होगा, 4 का। तो भाई ये 4 का और ये A का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस। अभी 25 है तो यहाँ पे 25 है, किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने देखा एक हमारा हो गया 4A का स्क्वायर, एक हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। बच्चे ये क्या, ये वाला फॉर्मूला नहीं बनना है क्या? बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला बनना है। तो ये आपका हो जाएगा 4A - 5, मतलब एक ब्रैकेट में पहले ऐड करूँ और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, -5 कर देंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया, बहुत ईजी सा सोल्यूशन था, इसमें कुछ सोचना था ही नहीं आपको, बस जैसे वैल्यू आई वैसे हमने उसको पुट कर दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों क्या गिवन है, गिवन है 4a³ - 81a। तो यहाँ पे देखो एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये ए वाला टर्म। अगर यहाँ से भी एक ए कम रहे, यहाँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भी एक ए कम रहता तो ये 81 आता। तो सिंपली हम इसका स्क्वायर रूट जानते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने ए कॉमन लिया तो ये आपका हो गया 4a² - -81। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर इसकी बात करें, ये है ए, 4a है ना, 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, होता है 2 का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 81। अब यहाँ देखो किसका स्क्वायर है, 9 का, तो हम इसे 9 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो गाइज क्या ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूला जैसा नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। तो ठीक है, अगर वही फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे ए, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2a + 9, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2a - 9। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। आइए थर्ड वन देखिए, थर्ड वन की बात करते हैं, तो थर्ड वन मैं यही आपको बता देता हूँ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका 32x² - 50y². चलो देखो एक्स स्क्वायर दैट्स इनफ, तो एक्स स्क्वायर तो होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर भी होगा। ठीक है, एक मिनट जरा बच्चों, तो इतनी बात देखो हमें समझ में आ रही कि ये एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, ये वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे एक बात सोचो, ये है 32, अब इस कॉलम में आप चेक करो क्या कहीं पे 32 आ रहा है, कहीं पे 32 नहीं, 36 आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। कहीं पे 50 आ रहा है क्या, तो 50 कहीं नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अगर इसको हमें स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो। तो जैसे आप 2 कॉमन लोगे ये आपको हो गया 16x² - और ये कितना हो गया 25y²
तो देखो बच्चों, ये तो आपका हो गया टू। यहाँ से 16x2, तो 16x2 को हम बोल सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। यहाँ 4 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर माइनस ये 25y है, तो 25 देखो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हम इसे बोलेंगे 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब देखो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्या भाई, ये हो गया देखो a² - b² हुआ कि ना, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को हम ऐड कर देंगे, एक ब्रैकेट में दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और एक ब्रैकेट में दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, ये पूरा क्या है आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, डन हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, बड़े आराम से इसको कर लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, अगर 3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है ये, कह रहा है 8^4/16 और फिर क्या है -81/64। तो याद होगा बच्चों, यहाँ a स्क्वायर है, याद रखना, तो 8^4 है ना, तो 8^4 का मतलब क्या हो गया, ये a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और नीचे 16 है, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ऊपर 81 है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 64, मतलब 8 का स्क्वायर। अब देखो इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a² / 4 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। क्यों, नॉर्मल सी बात, ये होता है हमारा, ठीक है, एक्सपोनेंट में हमने इसको पढ़ रखा है। अब यहाँ पे ये हो गया a², ये हो गया -b², तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे, एक ब्रैकेट में हम दोनों क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे, और अदर ब्रैकेट में क्या करेंगे दोनों को माइनस करके लिख देंगे, बस हो गया आपका आंसर। क्या था, कुछ था नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो चीज़ें आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही इजी हैं, क्या चीज़ें क्या हैं, बहुत ही इजी हैं, आपको बड़े आराम से कर सकते हो। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है a - b² का होल स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी बात है, -4c², ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो a - b² का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। तो ये फिर से हो गया, ये हो गया, और ये टर्म क्या हो गया, b हो गया। तो क्या करेंगे, पहले एक में दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा a - b + 2c, और फिर क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a - b - 2c। अरे बच्चों यही आपका आंसर है कि नहीं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया। चलो अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में, ठीक है बच्चों। तो सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या गिवेन है बच्चा, ये 6 वाला क्या गिवेन है, कह रहा है x² - a² + 2ab + b² तो भाई ये x² का x² ही रहने, तो पहले ये जो टर्म है ना इसको सॉल्व करिए। तो आप इसे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + ab + b² बोलो, यहाँ पे 2ab था, 2ab को हमने ab और ab करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो हो गया x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन होगा आपका a, ये हो गया a + b, प्लस इसमें कॉमन हो गया आपका b, क्या हो जाएगा b, तो ये भी आ गया a + b। तो अब देखोगे दोनों कॉलम क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये आपका आ जाएगा x² - a + b कॉमन लोगे तो ये आपका a + b और बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुछ आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि ये भी a + b, ये भी a + b, मतलब क्या, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया ना किसका, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, एक ब्रैकेट में एडिशन और दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एडिशन, मतलब क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो लिखेंगे x + a + b। देखो ऐड किया तो बड़े आराम से हो गया,
लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे बच्चों ना, तब यहाँ समझना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, जस्ट ओनली एक्स, ठीक है, तो ये हो गया एक्स। और जैसे ही हम माइनस करेंगे ना, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। हियर वी गो, यस गाइस, तो आपके 7.2 7.1 यहाँ पे फिनिश होते हैं, ठीक है, चलिए।